किसी प्रार्थना में कि चाहूं मगर बात बनती नहीं, क्या करूं, नाव भटके मेरी पार लगती नहीं, क्या करूं, कैसे होगी नैया पार, छूट गई पतवा, ओ शाम एक बार तू धीर बंधा जा, हारे के तेरा दास हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले, हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार, हारे के। मैं चाहूंगा मोबाइल बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, सिर्फ बाबा और आप, कोई ना हो बीच में, किसी को नहीं देखना, ना हमने किसी को सुनाना है। एक बार मेरा कीर्तन था, मेरा नंबर 12 बजे लगा, वहां पे संगत बैठी थी, सिर्फ 5 बंदे बैठे थे। मेरे छोटे भाई कहने लगे, भैया 2-4 भजन गा के आरती कर दो। उस दिन मानोगे मैं 2.5 घंटे कंटिन्यू गाया, मैं आज माइक नहीं छोड़ूंगा, आज सिर्फ बाबा से बात करूंगा, आज पब्लिक से बात नहीं करूंगा, आज प्रेमियों से बात नहीं होगी, आज बाबा से बात होनी है। और आइए, आज भी मैं चाहूंगा किसी को नहीं सुनाना हमने, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, मगर बाबा को जरूर सुनाएंगे। आइए मिलकर सभी सुनाइए बाबा को, दोनों हाथ उठा लीजिए और ताली में जाके सभी ने कहना है, हारे के सहारे आजा तेरा दास पुकारे आजा, हारे के सहारे आजा तेरा दास पुकारे आजा, हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार, हारे के सहारे आजा, आओ शाम होगी सरकार, तेरे होते मेरी हार कैसे होगी सरकार, इसलिए तो बाबा को हारे का सहारा कहते हैं, तेरे होते मेरी हार कैसे होगी सरकार, तेरे होते मेरी हार कैसे होगी सरकार, एक बार तू धीर बंधा जा, ताली बजा के।
अपने भजनों से क्या मेरी जाता नहीं ये बता, अपने भजनों से क्या मेरी जाता नहीं ये बता। ये बाबा आऊं तेरे दरबार करूं तेरी जय जयकार, आऊं तेरे दरबार करूं तेरी जय जयकार। पीछे से आवाज नहीं आ रही सभी बोलिए, आऊं तेरे दरबार करूं तेरी जय जयकार, आऊं तेरे दरबार करूं तेरी जय जयकार। फिर कौन कमी बतला जा, हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार। एक सहारे आ जा। एक बार हमारे म्यूजिकल ग्रुप अमित भाई की, इनके लिए हाथ उठा के ताली जरूर बजाइए, क्योंकि कितना अच्छा म्यूजिक बजा रहे हैं, क्योंकि म्यूजिक इज लाइफ, लाइफ इज म्यूजिक। दोनों हाथ उठा लीजिए और ताली बजा के एक दो तीन चार। एक बार होके लीले पे सवार आजा, आजा एक बार होके लीले पे सवार आजा, आजा एक बार होके लीले पे सवार आजा, एक बार होके लीले पे सवार। मैं चाहूंगा इस पंडाल में जितने भी बैठे हैं सभी हाथ उठा के ये बात कहें, आजा आजा एक बार होके लीले पे सवार, आके मोर चढ़ी लहरा जा, हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार। एक सहारे आजा, ऐवे रुसे आना कर मेरी जान मोहे ना, एक दिन छड़े जाना है जहान मोहे ना, ऐवे रुसे आना कर मेरी जान मोहे ना, एक दिन छड़े जाना है जहान। कोई अपना होवे ते दुख सुख मंडीदा, कोई अपना होवे ते सुख दुख मंडीदा, किसे गैर ते की करिए ओ मान मोहेदा, कदे साडा वे तो बने मैं मान मोहेदा, एक दिन छड़ जाना है जहान ना, ऐवे रुसे आना कर मेरी जान मोहेदा, एक दिन छड़ जाना है जहान। आस तुम्हारी है विश्वास तू के बाबा, एक आस तुम्हारी है विश्वास तुम्हारा है, एक तेरे सिवा बाबा नहीं कौन हमारा है, एक तेरे सिवा बाबा, अपना दास नहीं बना सकते, अपने चौखट का कुत्ता ही समझ लो, अपनी चौखट का कुत्ता बना लो मुझे, जहां बांधोगे बाबा मैं बंध जाऊं। झूठन पे बल जाऊंगा,
परिणाम तुझको मैं कर जाऊंगा, परिणाम तुझको मैं कर जाऊंगा, परिणाम तुझको मैं कर जाऊंगा। के बाबा विश्वासी मेरा ना टूटे ऐ प्यारे प्यारे। के बाबा, के बाबा मैंने तो अपने जीवन की नाव आपको सौंप दी, आपकी मर्जी है उसे पकड़ो या छोड़ दो। कि बाबा विश्वासी मेरा ना टूटे ऐ प्यारे प्यारे। तुम्हीं को लगानी है नैया किनारे, तुम्हीं को लगानी है नैया किनारे, तुम्हीं को लगानी है नैया किनारे। चले आओ करके ना कोई बहाना, देखो तेरा मेरा रिश्ता पुराना, देखो तेरा मेरा रिश्ता पुराना, देखो तेरा मेरा रिश्ता पुराना। इंसान घबरा जाता है मुसीबत में, नैया ढोलने लग जाती है कि सोचता है कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, कहीं बाबा मेरी हाथ ना पकड़े, मेरी बैया छोड़ ना दे। ऐसा कभी नहीं होता, आता जरूर है ये, बेशक देर से आए, आएगा जरूर, परीक्षा लेता है। एक बार समुद्र में जहाज जा रहा था, एक उसमें काफी सैनिक, फौज के सैनिक बैठे थे, सवारियां बैठी थी, एक कर्नल साहब भी बैठे थे। अचानक तूफान आ जाता है, जहाज डोलने लग जाता है, ताली बजाइए मीठी मीठी, सभी भागने लग जाते हैं, कैसे बचे कैसे बचे। कर्नल साहब आराम से बैठ के अखबार पढ़ रहे, कर्नल साहब की धर्मपत्नी ने कहा महाराज सभी चिंता में डूबे हैं, आप आराम से बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं, आप क्यों घबरा नहीं रहे। अरे मुझे मेरे बाबा पे भरोसा है, मैं क्यों फिक्र करूं, जिसने ये जहाज डोलाया है वही पार ले जाएगा। अब थोड़ी देर बाद कर्नल साहब की वाइफ ने फिर टोका, कर्नल साहब को क्रोध आ गया, कर्नल साहब ने अपनी बंदूक निकाली और अपनी धर्मपत्नी की कनपट्टी पे लगा दी कि अभी की अभी 6 गोलियां तेरे अंदर डालूंगा, तुझे मार दूंगा, तुझे खत्म करूंगा यहीं पर। कर्नल साहब की वाइफ कहने लगी आपको मजाक सोच रहा है प्रभु, जान पे बनी हुई है आप मजाक कर रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुझे मारूंगा। आप मुझे मार ही नहीं सकते, मुझे इतना प्रेम करते हैं, मुझे कैसे मारेंगे। कर्नल साहब कहने लगे तुझे मुझ पर विश्वास है तो मुझ पे मेरे कन्हैया पे विश्वास है। बोलिए शाम प्यारे की, इसलिए एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, एक तेरे सिवा बाबा नहीं कौन हमारा है, एक तेरे कीर्तन में आए हैं। मेरी दिल से प्रार्थना है, चाहे मेरे हिस्से में से थोड़ा सा ले लेना, मगर सभी को देना। एक बार दोनों हाथ उठा लीजिए और ताली बजा के हरे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, हरे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। हम तो खड़े तेरे में पलती है और ये मौत मेरे बाबा के कदमों में पलती है। अरे उसका कोई क्या बाल बाका करेगा जिसके घर में इसकी पावन जोत जलती है। आओ शाम आओ, सभी गाइए। एक मां का एक बेटा था, हर 6 महीने के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता। ताली बजाइए आओ शाम आओ। उसकी मां बड़ी परेशान, मगर बाबा पे विश्वास।
कोई बात नहीं, जैसी बाबा की मर्जी। कि बाबा बचाता तो है ना, बच जाता है। सामने पड़ोस में एक औरत रहती, वो कहने लगी तू खाटू धाम जाती है हर महीने, क्या करता है तेरा बाबा? तेरा बाबा तो तेरे बच्चे को मरवा रहा है। वो कहती है नहीं, मेरा बच्चे को बचाता है मेरा बाबा, मरवाता नहीं है वो, बचाता है। दो तीन साल बीत गए, ऐसे हर छह महीने बाद एक्सीडेंट हो जाए उस बच्चे का। पड़ोसी ने कहने लगी इसकी पत्री दो मुझे, मैं पंडित को दिखा के आती हूँ। पत्री उठाई, पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने पत्री जब देखी ना, हैरान हो गया। हमारे पंडित जी हैरान हो गए, ये बंदा कौन है? ये बंदा तो दो साल पहले मर चुका है जिसकी आप पत्री लेके आए हो, मगर वो बच्चा जिंदा है। बाबा बचाता है कि मरवाता है? बचाता है ना, विश्वास है ना? दोनों हाथ उठा के आओ शाम, आओ सहारे तेरा दास पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। हरे के बोलिए शाम प्यारे की जय। आइए धमाल की फरमाइश है, आइए विश्वासी मेरा न टूटे ऐ प्यारे प्यारे, को लगानी है नैया किनारे, तुम्हें को लगानी है नैया किनारे, तुम्हें को लगानी है नैया किनारे। चले आओ करके ना कोई बहाना, देखो तेरा मेरा रिश्ता पुराना, देखो तेरा मेरा रिश्ता पुराना, देखो इंसान घबरा जाता है मुसीबत में, नैया ढोलने लग जाती है, कि सोचता है कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, कहीं बाबा मेरी हाथ ना पकड़े, मेरी बैया छोड़ ना दे। ऐसा कभी नहीं होता, आता जरूर है ये, बेशक देर से आए, आएगा जरूर, परीक्षा लेता है। एक बार समुंदर में जहाज जा रहा था, एक उसमें काफी सैनिक, फौज के सैनिक बैठे थे, सवारियां बैठी थी, एक कर्नल साहब भी बैठे थे। अचानक तूफान आ जाता है, जहाज डोलने लग जाता है। ताली बजाइए मीठी मीठी, सभी भागने लग जाते हैं, कैसे बचे कैसे बचे। कर्नल साहब आराम से बैठ के अखबार पढ़ रहे। कर्नल साहब की धर्मपत्नी ने कहा महाराज सभी चिंता में डूबे हैं, आप आराम से बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं, आप क्यों घबरा नहीं रहे? अरे मुझे मेरे बाबा पे भरोसा है, मैं क्यों फिक्र करूं, जिसने ये जहाज डोलाया है वही पार ले जाएगा। अब थोड़ी देर बाद कर्नल साहब की वाइफ ने फिर टोका, कर्नल साहब को क्रोध आ गया, कर्नल साहब ने अपनी बंदूक निकाली और अपनी धर्मपत्नी की कनपट्टी पे लगा दी कि अभी की अभी छह गोलियां तेरे अंदर डालूंगा, तुझे मार दूंगा, तुझे खत्म करूंगा यहीं पर। कर्नल साहब की वाइफ कहने लगी आपको मजाक सोच रहा है प्रभु, जान पे बनी हुई है आप मजाक कर रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुझे मारूंगा। आप मुझे मार ही नहीं सकते, मुझे इतना प्रेम करते हैं, मुझे कैसे मारेंगे? कर्नल साहब कहने लगे तुझे मुझ पर विश्वास है तो मुझ पे मेरे कन्हैया पे विश्वास है। बोलिए शाम प्यारे की, इसलिए एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, एक तेरे सिवा बाबा नहीं कौन हमारा है, एक तेरे सिवा बाबा।
कीर्तन में आए हैं, मेरी दिल से प्रार्थना है चाहे मेरे हिस्से में से थोड़ा सा ले लेना, मगर सभी को देना। एक बार दोनों हाथ उठा लीजिए और ताली बजा के हरे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, हरे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे मौत के कदमों में पलती है और ये मौत मेरे बाबा के कदमों में पलती है। अरे उसका कोई क्या बाल बाका करेगा जिसके घर में इसकी पावन जोत जलती है। आओ शाम आओ, सभी गाइए। एक मां का एक बेटा था, हर 6 महीने के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता। ताली बजाइए। आओ शाम आओ। उसकी मां बड़ी परेशान, मगर बाबा पे विश्वास। कोई बात नहीं, जैसी बाबा की मर्जी। कि बाबा बचाता तो है ना, बच जाता है। सामने पड़ोस में एक औरत रहती, वो कहने लगी तू खाटू धाम जाती है हर महीने, क्या करता है तेरा बाबा? तेरा बाबा तो तेरे बच्चे को मरवा रहा है। वो कहती है नहीं, मेरा बच्चे को बचाता है मेरा बाबा, मरवाता नहीं है वो, बचाता है। 2-3 साल बीत गए ऐसे, हर 6 महीने बाद एक्सीडेंट हो जाए उस बच्चे का। पड़ोसी ने कहने लगी इसकी पत्री दो मुझे, मैं पंडित को दिखा के आती हूँ। पत्री उठाई, पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने पत्री जब देखी ना, हैरान हो गया। हमारे पंडित जी हैरान हो गए, ये बंदा कौन है? ये बंदा तो 2 साल पहले मर चुका है जिसकी आप पत्री लेके आए हो, मगर वो बच्चा जिंदा है। बाबा बचाता है कि मरवाता है? बचाता है ना, विश्वास है ना? दोनों हाथ उठा के आओ शाम आओ शाम आओ शाम आओ शाम अरे आओ शाम आओ शाम आओ शाम आओ शाम आओ शाम 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 आओ शाम 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 आओ शाम आओ शाम आओ शाम आओ शाम आओ शाम आओ शाम सहारे तेरा दास पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। हरे के बोलिए शाम प्यारे की जय।